नमस्कार दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय श्री महाकाल। दोस्तों वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि अधूरा ज्ञान बहुत ही खतरनाक होता है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए किसी बहुमूल्य रत्न से कम नहीं है। रात को मेरी भाभी जब भी भैया के कमरे से बाहर आती उनसे चला नहीं जाता और वे रोती रहती थी। मेरा नाम रीमा है और मेरी भाभी अक्सर मेरे भैया के कमरे में नहीं सोया करती थी, और अगर किसी दिन सोती भी थी तो अगली सुबह वह रोते रोते बाहर निकलती। एक दिन भाभी सोई हुई थी, तभी मैं भाभी का दुपट्टा लेकर, फिर भैया ने मुझे भाभी समझकर जो किया वह सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जब मेरी आंख खुली तो मैंने भाभी को रोते हुए देखा, वह मेरे बिस्तर के पास बैठकर रो रही थी। मैंने अपने माता पिता को नहीं देखा था क्योंकि मेरे पैदा होने के 2 साल बाद ही उनकी मृत्यु हो गई थी। इस कारण भाभी को रोता हुआ देखकर मैं हमेशा सहम जाया करती थी। कुछ दिन पहले मैंने भाभी से पूछा कि आखिर वह भैया के कमरे से बाहर आकर इतना रोती क्यों है। भाभी ने कोई जवाब नहीं दिया। जब भी भाभी भैया के कमरे से निकलती उनका चेहरा बिगड़ा हुआ रहता था और उनके चेहरे पे एक अजीब सी मजबूरी नजर आती थी। ये सब काम कुछ वर्ष पहले से ही शुरू हुआ था। अब मेरे अंदर एक जानने का ये जुनून सा पैदा हो गया था कि आखिर भाई मेरे भाभी के साथ करते क्या है। इस सवाल ने मुझे बेचैन कर दिया था। मैं अब 17 साल की हो गई थी और बहुत सी बातें मुझे समझ में आने लगी थी, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि जब भी भाभी भैया के कमरे से निकलती वह रोती ही रहती थी, जबकि मेरे भाई के चेहरे पर कोई भी घबराहट नहीं थी और वह मुस्कुराते रहते थे और वे हमेशा खुश रहते थे। और मेरी भाभी का हाल ऐसा था कि भैया के कमरे से निकलने के बाद दोबारा उनके सामने जाने से भी वह डरती थी, और भैया का भोजन भी मेरे हाथों ही उनके कमरे में भिजवा देती थी और सारा दिन दूसरे कमरे में बैठकर आंसू बहाया करती थी। ऐसा देखकर मुझे बहुत तरस आता था। मैं भी सिलाई का काम सीखती थी, इसलिए भैया को नाश्ता देने के बाद मैं अपने काम पे चली जाती थी, लेकिन सारा वक्त मेरे दिमाग में भैया और भाभी का ही ख्याल घूमता रहता था। मैंने कभी भी अपने भैया को परेशान या बेचैन नहीं देखा था, वे हमेशा ही प्रसन्न रहते थे, जबकि भाभी के चेहरे को देखकर ऐसा लगता था कि किसी भी बल कुछ भी हो सकता है। मेरा मन करता था कि मैं भाभी से पूछूं कि आखिर भाई उनके साथ रोज रात को ऐसा क्या करते हैं, मगर भाई के नाम सुनते ही भाभी के चेहरे पे खौफ नजर आने लगती थी। भाभी हर रात भैया के कमरे में सोने के लिए नहीं जाती थी, बल्कि वह मेरे साथ ही सोती थी। भाई कभी कभी जबरदस्ती उसको अपने कमरे में ले जाते थे, लेकिन वह जाने से मना कर देती थी। लेकिन मैं ये अच्छी तरह से जानती थी कि भैया भाभी को अपने कमरे में ले जा कर के कुछ गलत करते हैं। किसी भी महिला के लिए किसी और महिला को रोते और तड़पना देखना बहुत ही कठिन बात है, और मेरा भी ऐसा ही हाल था। अब मेरा मन ना ही सिलाई में लग रहा था और ना ही घर में, और मेरा मन चाहता था कि मैं किसी भी तरह अपने भाभी को अपने भैया के कमरे में ना जाने दूं। लेकिन मैं किसी तरह भाई को मना नहीं कर सकती थी। भाई तो मेरे सामने भाभी के साथ बहुत ही प्यार से पेश आते थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हमारे घर में ये क्या हो रहा है। जब मैं सिलाई सीख कर अपने घर वापस आई तो घर में मेरे भाई के ना रहने पर मेरी भाभी अपने चचेरे भाई के साथ राणा अंकल के साथ बैठी हुई थी। वे मेरे भाई को काम पे जाने के बाद मेरे घर आया करते थे। मेरी भाभी की बचपन से ही उनसे बहुत अच्छी मित्रता थी। मेरी भाभी बताती थी कि बचपन में वह दोनों एक साथ ही रहते थे, और बाद में राणा अंकल अमेरिका चले गए, साउथ अमेरिका चले गए, और भाभी की शादी भाई के साथ हो गई।
शादी के 12 साल हो चुके थे लेकिन अभी भी उनका कोई बच्चा नहीं था। मेरे भैया मुझे अपनी बहन नहीं बल्कि अपनी बच्ची ही मानते थे और वे मुझसे बहुत प्यार किया करते थे। कुछ साल पहले तक भैया और भाभी के बीच सब कुछ ठीक था, या फिर मैं बच्ची थी मुझे समझ नहीं आता था। लेकिन कुछ वर्षों से मुझे अच्छी तरह से अपनी भाभी की हालत समझ आने लगी थी। अब मुझे ये बात समझ आने लगी थी कि मेरा भाई एक अच्छा आदमी नहीं है, वह सिर्फ प्यार करने का ढोंग करता है और मेरा भाई ही मेरी भाभी के दुखों का वजह है। और इस बात ने मेरे भाई के प्रति मेरे दिल में नफरत का बीज बो दिया और मैं अपने भाई से नफरत करने लगी। राणा अंकल से हमारी भाभी की अच्छी दोस्ती थी और वे 6 महीना पहले ही साउथ अफ्रीका से हिंदुस्तान वापस आए थे। लेकिन भाभी को उनका आना अच्छा नहीं लगता था क्योंकि वह अक्सर उनके जाने के बाद मुझसे कहा करती थी कि अगर तुम्हारे भैया को पता चल गया कि राणा अंकल यहाँ आते हैं तो बहुत ख़राब होगा। तब मैं भाभी को बोलती कि भैया को कैसे पता चलेगा, वह तो सुबह काम पे चले जाते हैं और फिर रात को ही वापस लौट कर आते हैं, और मुझे तो राणा अंकल बहुत ही अच्छे लगते हैं। वे जब भी आते हैं भाभी खुश हो जाती है और मेरे लिए भी उपहार लेकर आते हैं। भैया की आमदनी इतनी थी कि बस गुजर बजर हो जाता था। एक दिन जब मैं अपनी भाभी के साथ सो रही थी तो भैया आए और भाभी को बुला कर ले गए। 3 घंटे गुजर चुके थे लेकिन भाभी वापस नहीं आई, तो मैं दूध पीने के लिए जब रसोई घर में गई तो मेरे पीछे कुछ देर बाद भाभी भी आई। मैंने देखा कि भाभी के कुर्ते फटे हुए हैं और बाल बिखरे हुए हैं। भाभी ने मुझसे पूछा, तुम इतनी रात को क्यों जग रही हो? मैंने झूठा बहाना बनाया कि मैं दूध पीने आई थी और हम दोनों साथ जाकर अपने कमरे में सो गए। लेकिन मुझे भाभी की रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी, वह धीरे धीरे रो रही थी। मेरे भाई की इनकम तो कम थी लेकिन वह हमेशा प्रसन्न रहते थे, वह कभी भी दुखी नहीं रहते थे। जब सुबह हुआ तो मैंने अपने भाई को नाश्ता देकर सिलाई सीखने के लिए चली गई, और जब मैं सिलाई सीख कर वापस आ रही थी तो रास्ते में मुझे राणा अंकल मिल गए और उन्होंने मुझे अपने पास बुला लिया और मैं उनके साथ चलने लगी। अंकल ने जब गौर से मेरी तरफ देखा और मुझसे बोला, मुझे बताओ तुम्हें क्या परेशानी है, तुम इतना चुप क्यों रहती हो? मैं इस तरह से भयभीत थी कि मैंने राणा अंकल को अपनी सारी बातें बता दी। तब राणा अंकल ने कहा कि क्या तुम्हें अंदाजा है कि तुम्हारा भाई एक अच्छा इंसान नहीं है? तुम अपने भाभी को अपने भाई से आज़ाद क्यों नहीं करवा देती? वह तुम्हारे साथ भी ऐसा ही करेगा जैसा वह तुम्हारे भाभी के साथ करता है। कब तक तुम दोनों उसका जुल्म सहोगी? राणा अंकल के ऐसे सवाल के जवाब सुनकर मेरे होश उड़ गए क्योंकि मैं अपने भाई को छोड़ने के बारे में विचार भी नहीं कर सकती थी। आज तक मेरे भाई ने कभी भी मुझसे जोर से बात तक नहीं की थी, तो फिर मैं अपने भाई को कैसे बुरा कह सकती हूँ? और मुझे तो ये भी नहीं पता कि भाई और भाभी के बीच आखिर होता क्या है। बहुत विचार करने के बाद भी मुझे अपने भाई की कोई ऐसी बात याद नहीं आई जिससे मैं उसे दुष्ट या बदमाश साबित कर सकती। लेकिन भाभी के आंसू देखकर तो ऐसे ही लगते थे कि मेरे भैया कितने बड़े जालिम और क्रूर इंसान हैं। राणा अंकल और हम दोनों अब घर चले आए। भाभी हम दोनों को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुई और हम दोनों के लिए भोजन लाया। मैं थोड़ी थक गई थी, इस कारण आराम करने के लिए अपने कमरे में चली गई और राणा अंकल भाभी के पास ही बैठे रहे। मैं विचार कर रही थी कि भाभी को भैया के कमरे में गए हुए 3 दिन हो चुके हैं क्योंकि 3 दिन से भाभी मेरे साथ ही सो रही थी। भाभी जब भी मेरे साथ रहती थी तो वह एकदम अच्छी तरह से रहती थी। 5वें दिन जब भाभी मेरे भैया के कमरे में गई और मैं रात भर भाभी का इंतज़ार करती रही, और जब भाभी भाई के कमरे से सुबह में निकली तो उन्हें चल भी नहीं हो रहा था, वह अपने पैर जमीन पर घसीट घसीट कर चल रही थी।
जब मैंने अपने भाभी से पूछा कि आपके पैर में क्या हुआ है तो उन्होंने बोला थोड़ी सी चोट लग गई है। ये कहकर भाभी रोने लगी। एक दिन जब मैं सिलाई सीखने जा रही थी तो एक दीवार पर लिखा हुआ था, कभी भी पूरा सच जाने बगैर कोई भी फैसले पर नहीं पहुंचना चाहिए। अधूरा सच हमेशा बहुत खतरनाक होता है जो मनुष्य को बर्बाद कर देता है। ये बात मेरे दिमाग में बैठ गई और मैंने विचार किया कि मैं अपने भाई का पूरा सच जान के रहूंगी और उसके बाद मैं अपने भाभी को हमेशा हमेशा के लिए आज़ाद करवा दूंगी, क्योंकि राणा अंकल ने भी मुझसे वादा किया है कि वह हर समय मेरी मदद करने को तैयार हैं। मेरी भाभी भी बिल्कुल मेरी ही तरह थी, उम्र में 18 साल थी और शरीर भी मेरे ही तरह था। अगले दिन मैंने अपने भाभी को नींद की गोलियाँ देकर सुला दी और खुद अपनी भाभी का दुपट्टा ओढ़कर अपने भैया के कमरे में जाकर बैठ गई। भाई के कमरे में एक छोटी सी रोशनी थी और अंधेरे के कारण उन्होंने मुझे भाभी ही समझा और कहने लगे, ये तो मेरी अच्छी किस्मत ही है नेहा कि आज तुम खुद चलकर ही मेरे कमरे में आ गई हो और मेरे पास आकर बैठ गए। और मेरे भैया कहने लगे कि नेहा, मेरी बहन जवान हो रही हो, ये कहकर तुम इस कदर मुझसे दूर हो गई हो कि मुझे तुम्हारे साथ जबरदस्ती करके अपने कमरे में लाना पड़ता है। मैं ये जानता हूँ कि मेरी बहन जवान हो रही है, लेकिन अब वह इतनी बची भी नहीं है कि वह नहीं जानती कि मेरे भैया और भाभी ये कमरे में रहेंगे या नहीं। तुम सारा समय काम कर करके थक जाती हो, अब चलो तुम मेरे साथ सो जाओ, मैं तुम्हें देख कर ही प्रसन्न हो जाता हूँ। और मेरे भैया लेटकर बहुत धीरे धीरे मेरे कान के पास आकर कहने लगे, मैंने अपने इनकम का कुछ पैसा जमा करके रखा है जिससे कि मैं अपनी बहन का विवाह करूंगा। उसके बाद मेरे भाई ने जो कुछ कहा वह सुनकर मेरे होश ही उड़ गए। मैं जानता हूं कि राणा ने फिर से एक बार हमारे घर का रास्ता देख लिया है, लेकिन नेहा मैं तुम्हें बता दूं कि वह इंसान बिल्कुल भी ठीक नहीं है और ना ही उसकी नीयत ठीक है। वह पहले भी तुम्हें एक बार धोखा देने की कोशिश कर चुका है और अब तो हमारे घर पे जवान बहन भी है, इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखना। मेरे भैया को इस बात का बिल्कुल भी मालूम नहीं था कि ये भाभी नहीं बल्कि उनकी ही बहन है और ये कहते कहते सो गए। और जब मेरे भाई गहरी नींद में सो चुके थे तो मैं धीरे से उठकर कमरे से बाहर चली आई। भाई ने कुछ भी ऐसा नहीं किया था जिससे कि मुझे संदेह पैदा होता, इस कारण अब राणा अंकल और भाभी को लेकर मेरे दिल में ऐसे ऐसे ख्याल आने लगे। अगली सुबह भैया भी रोज की तरह ही तैयार हुए और अपने काम पे जाने के लिए निकल गए। मैं भी रोज की तरह जब सिलाई सीख कर अपने घर वापस लौट रही थी तो मैंने दूर से छुप के देख लिया कि राणा अंकल हमारे घर आए हुए हैं। तो आज मैंने भी चुपके से अपने घर में आ गई। राणा अंकल और भाभी बैठकर बातें कर रहे थे और उन्हें इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि मैं चुपके से उनकी बातों को सुन रही हूँ। और जो कुछ भी मैंने सुना वह सुनकर मेरे यकीन ही नहीं हुआ कि ऐसा भी हो सकता है क्या। जो सच मैं जानने के लिए बेचैन थी वह सच इतना भयंकर होगा। मेरी भाभी राणा अंकल से कह रही थी कि मैंने अपने ननद के दिल में उसके भाई के खिलाफ नफरत का बीज बो दिया है और वह समय जल्द ही आएगा जब मेरी ननद अपने भाई के विरुद्ध ही खड़ी हो जाएगी। वे जबरदस्ती मुझे इस रिश्ते में बांधे हुए हैं, लेकिन अब मैं उससे आज़ादी चाहती हूँ। वे मुझे अपने कमरे में ले जाता है और मुझसे बात करते करते ही नींद में सो जाता है, लेकिन मैं जैसे ही बाहर निकलती हूँ अपना चेहरा खुद ही खराब कर लेती हूँ और अपने कपड़े भी खुद ही फाड़ लेती हूँ। मैंने अपने ननद के मन में ये बात अच्छी तरह से बैठा दी है कि उसका भाई मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा जुल्म और प्रताड़ित करता है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जब मैं उससे अलग होने की बात करूँ तो मेरी ननद मेरा साथ दे। मेरी ननद मेरी बेगुनाही और अपने भाई के कुकर्मों की गवाह है और मैं अपने ननद के साथ तुम्हारे साथ साउथ अफ्रीका चली जाऊँगी।
तब राणा अंकल भी ने कहने लगे कि हाँ, मैंने भी तुम्हारी ननद से कह दिया है कि जब भी कि उसको आवश्यकता होगी मैं चला आऊँगा। तब मेरी भाभी राणा अंकल से कहने लगी कि तुम पहले की तरह मुझको धोखा मत देना। तब राणा अंकल कहने लगे कि मैंने बहुत मजबूर होकर तुम्हारा साथ छोड़ा था, लेकिन अब मुझे रोकने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं पूरे दिल से तुम्हें अपनाऊंगा और तुम्हारी ननद को हम अच्छे दामों में साउथ अफ्रीका में बेच देंगे, लेकिन इस बारे में देखना तुम्हारे ननद को भनक ना लगे और उसे इस बात का भी पता नहीं लगना चाहिए कि उसका भाई एक अच्छा इंसान है और हम उसे दुष्ट साबित करना चाहते हैं। मेरी भाभी ने राणा अंकल को विश्वास दिया कि सब कुछ वैसा ही होगा जैसा उन्होंने सोचा है, प्लानिंग किया है। ये सुनकर मैं विचार करने लगी कि मेरी भाभी मुझे ही नहीं मेरे भाई को भी धोखा दे रही है और वह मेरे ही घर में बैठकर एक दूसरे आदमी के साथ मिलकर भागने का प्लान बना रही थी। तब मुझे अपने भैया की बात याद आ गई कि राणा ने पहले भी हमारे घर को बर्बाद करने की कोशिश की थी। अब मैं सब कुछ जान चुकी थी तो मैं भी कमरे के अंदर प्रवेश कर गई। मुझे देखकर मेरी भाभी और राणा अंकल आश्चर्यचकित हो गए। तब मैंने अपने भाभी से पूछा, आपको बताना पड़ेगा कि आपको मेरे भाई से क्या दिक्कत है। वे दोनों भी जान चुके थे कि मैंने उनकी सारी बातें सुन ली है। तब भाभी ने बताया कि विवाह से पहले वह राणा से प्रेम किया करती थी और राणा भी उनसे प्रेम किया करता था, लेकिन राणा शादी करने के बजाय वे जाकर साउथ अफ्रीका में नौकरी करने लगा। लेकिन भाभी के दिल में राणा अंकल के प्यार की चिंगारी जगती रही और भाभी के घर वालों ने इनकी शादी करने के लिए मेरे भाई को पसंद कर लिया। मेरी भाभी बहुत ही सुंदर थी, लेकिन मेरे भैया उनमें उम्र में 8 साल बड़े थे और वे थोड़े काले थे, जबकि राणा अंकल देखने में खूबसूरत लगते थे। भाभी का रिश्ता भाई के लिए उनके घर वालों के मर्जी पे था। भैया के साथ भाभी ने शादी तो कर ली, लेकिन कभी भी उनसे मोहब्बत नहीं कर पाई और ये ज़बरदस्ती का रिश्ता भाभी के लिए किसी बड़े संकट से कम नहीं था और किसी तरह से वे गुजारा कर रही थी कि तभी शादी के 5 बरस के बाद राणा अंकल साउथ अफ्रीका से कुछ दिनों के लिए वापस हिंदुस्तान आए। जब उन दोनों ने एक दूसरे को देखा तो बचपन का प्यार फिर से जग उठा और राणा अंकल के साथ चुपके चुपके भेंट करने लगी। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद ये अगल बगल वालों को पता चल गई और उन्होंने ये बात सारे खानदान में बता दी और भाभी की इज्जत की धज्जियाँ उड़ा दी। मेरे भैया भाभी से सच्चा प्रेम करते थे, इसलिए उन्होंने उसे बदनाम होने से बचा लिया और सारी बातों को गलत साबित कर दिया। भाभी को शुरू से ही मेरे भैया पसंद नहीं थे, जबकि राणा अंकल के पास साउथ अफ्रीका का पैसा था और भाभी के लिए भैया को छोड़ना कोई मुश्किल की बात नहीं थी। लेकिन दिक्कत यह थी कि मेरे भाई मुझसे भी बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और मेरी भाभी मुझे अपने साथ साउथ अफ्रीका ले जाना चाहती थी। इस कारण भाभी ने जानबूझकर ये सारा नाटक किया और मेरी नज़रों में मेरे भाई को क्रूर, बदमाश और गलत साबित कर दिया। इतने सालों से मैं यही विचार कर रही थी कि मेरा भाई कभी आज तक मुझसे ऊँची आवाज़ में बात तक नहीं किया है, फिर वह मेरे भाभी पर जुल्म कैसे कर सकते हैं, उसे कैसे प्रताड़ित कर सकते हैं। भाभी ने मुझे अच्छे अच्छे ख्याल दिखाकर ये मजबूर कर दिया था कि मैं उनके साथ चली जाऊं, लेकिन मेरे लिए मेरे भाई को छोड़ना इतना आसान नहीं था। अब मेरे सामने सारा सच आ चुका था, लेकिन मेरी भाभी राणा अंकल के साथ जाने के लिए तैयार थी और जब राणा अंकल ने देखा कि मैं उनके साथ नहीं जाऊंगी तो उन्होंने फिर से एक बार भाभी को छोड़ दिया। अब भाभी को भी इस बात का अनुभव हो गया था कि राणा अंकल साउथ अफ्रीका ले जाकर भाभी को भी बेच देते और हम दोनों के एक साथ अच्छे कीमत मिल रहे थे। लेकिन जब खरीदने वाले को पता चला कि मैं उनके साथ नहीं आ रही हूँ तो उन्होंने भाभी को भी खरीदने से इनकार कर दिया।
राणा अंकल बहुत ही कमीने और मक्कार इंसान थे। अब भाभी को भी इस बात का एहसास होने लगा कि वह कितनी बड़ी गलत कार्य करने जा रही थी। अगर भाभी और मैं राणा अंकल के साथ साउथ अफ्रीका चले जाते तो वह हम दोनों को भी वहाँ पर ले जा कर के बेच देते। इतने समय के बाद पहली बार मेरी भाभी को अपनी गलतियों का एहसास हुआ और उन्होंने मेरे भैया को दिल से अपना लिया। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।